हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे और अपने अपने तीज त्यौहार कामों में व्यस्त होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी फ्रेंड्स, आज ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स संडे का ब्लॉग है, तो किचन मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही होंगे हम लोग के यहाँ मतलब जैसे नॉन वेज बनता रहता है। तो मुझे अच्छे से ये पूरा किचन का ये जो खिड़की है और गैस है पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं ये सब पूरा क्लीन कर लूँगी। और फ्रेंड्स अभी अंदर का पूरा काम अभी बाकी है और मुझे आज बाज़ार भी जाना है, तो इसलिए मैं किचन का काम कंप्लीट कर दूँगी और पूरे जो जैसे आंगन और ये बाथरूम क्लीन करूँगी, तो पूरा मुझे आज ही करना पड़ेगा। वैसे तो 2 दिन 3 दिन में करते रहते हैं 4 दिन, पर आज ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैं फ्लैर रखती हूँ तो कई आती हैं, जैसे परिवार ही की आती हैं, तो हो गया अच्छा नहीं लगता है उनके सामने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा की। और मेरा ये ब्लॉग 1 दिन के बाद ही आएगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए मेरा बेटा ये पूजा कर रहा है, और मैं अभी नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा क्लीन करना था, तो सुबह मुझे टाइम मतलब नहाने का टाइम नहीं मिला, और मैं अभी पूरा आंगन धुलना है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि बाज़ार जाना है, और बहुत सारे सामान जो मतलब कल की पूजा के लिए इनके पापा नहीं लाए थे, और बताओ भी तो ये भूल जाते हैं, तो इसलिए कुछ बच गया है, तो वही मैं लेने जा रही हूँ। और अभी जा रही हूँ पंडित जी के पास, क्योंकि कल की पूजा के लिए कहने के लिए जाना पड़ेगा, तभी उस समय बता पाएंगे कितने बजे पूजा हो मतलब पूजा होगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता, तो इसलिए 1-2 दिन आगे से मतलब बोला जाता है, नहीं तो फिर समय नहीं रहता, तो फिर आप पूजा फिर दूसरे से कराना पड़ेगा, दूसरे पंडित जी से। तो चलिए मैं चलती हूँ पंडित जी के पास, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स ये दोपहर का है टाइम, और मैं आ गई हूँ बाज़ार से। जो सामान मुझे लाना था, जो कमी थी मतलब चूड़ियाँ नहीं थी और जैसे और 1-2 सामान नहीं था, तो ये मेरी जेठानी की बेटी है, तो मैं इन्हीं से मेहंदी लगवा लूँगी, और वैसे मेरी बेटी लगा देती है अगर रहती है तो, पर ये आज यहीं लगा रही, हमेशा लगा देती हैं जैसे कुछ भी त्यौहार पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको। और फ्रेंड्स ये देखिए शाम का वक्त है, और मुझे इतनी चिंता इतनी टेंशन हो रही है कि कैसे करूँगी ये काम। तो यही सामान देखिए सब फ्रेंड्स, सब पूजा का सामान ये ले आए थे, और घी नारियल हवन अगरबत्ती और ये पूजा का जो सामान था। और ये देखिए फ्रेंड्स इसी में मतलब रख के दिया देते हैं, चढ़ाते हैं बांस का जो ये फिटवा टाइप का है ना, उसी में, तो इसी में सब रखा हुआ है। और अपने लिए मैं एक कंगन लाई हूँ और चूड़ी लाई हूँ बस। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं ये सूजी भूंज लूंगी इसको अच्छे से। और फ्रेंड्स पहले जब हम अपने मायके में रहते थे, तो हमारी माँ जैसे आटे की पंजीरी मतलब बनाकर और गुजिया बनाया करती थी, और वो भी क्या स्वाद रहा करता था फ्रेंड्स। अब आजकल जैसे जैसे थोड़ा समय आगे जा रहा है तो चेंज होते जा रहे। देखिए अब मैं सूजी भूंज लूंगी, और इसमें मैं ना खोवा भी जैसे मिलाकर मतलब खोवा में थोड़ा सा सूजी मिलाकर बनाऊंगी, क्योंकि खोवा खोवा का बनाएं फ्रेंड तो वो नहीं मतलब सहराता है, नहीं अधिक रहता है, तो इसमें मैं सूजी मिला लूँगी। और ये नारियल का बुरादा है, और इसमें मैं वो 4 वाली चिरौंजी होती है ना छोटी छोटी, वो भी मिला दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें काजू भी कूट के डाल दी हूँ। सब मिलाकर मैं सब भूंज कर इसमें सब मसाला बना लूँगी इसका। और फ्रेंड्स हम लोग इसमें इलायची पाउडर और हम लोग सौंठ पाउडर डालते हैं, सौंठ को कूट कर और चाल कर, क्योंकि मीठा जैसे रहता है तो थोड़ा सा तीखा तीखा लगता है, तो वो भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स हमारी एक बड़ी माँ रहती थी ना, तो वो इतना तीखा गुजिया बनाती थी कि आँख से आंसू आते थे, मतलब मीठा तो रहता ही था पर तीखा भी लगता था बहुत। अब ये नहीं मालूम कि काली मिर्च डालती थी कि सौंठ डालती थी।
और फ्रेंड्स ये देखिए मैं खोवा को पिघला लूँगी, और मुझे भूल गया है फ्रिज से खोवा निकाल कर बाहर रखना, तो ये थोड़ा सा ऐसे जमा हुआ है, और ये देखिए सब पिघल गया है, पूरा मुलायम हो गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये 7 बजे के पहले पहले मैं पूरा मसाला बनाकर और आटा गूंद कर दे दूँ, तो ये जो इनके पापा हैं और लड़के बच्चे हैं तो ये बना लेंगे, क्योंकि मुझे तीजा के दिन एक भी टाइम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार मतलब ये तीजा में भी ये सुदिन मुहूर्त का एक मतलब इशू हो गया है कि इतने बजे तक है इतने बजे तक नहीं है, और इसलिए हम लोग की पूजा शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी। पंडित जी ने हमें 6 बजे का टाइम दिया है, तो हमको 6 बजे के पहले पहले पूरी तैयारी अपनी करने कर लेना होगा, तो इसलिए मैं ये गुजिया वाला काम मैं एक दिन पहले ही कर ले रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे घर में फुलहरा रखो तो चढ़ाना मतलब चढ़ाने के लिए निकालना पड़ता है, नहीं तो खाने के लिए फ्रेंड्स अपन एक दिन बाद भी बना सकते हैं, पर मुझे फुलहरा में चढ़ाना भगवान जी को भोग लगाना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही बना लूँगी। और इसमें फ्रेंड्स मैं सोट का पाउडर और जो थोड़ा सा सूजी बचा था वो भी डाल दिए, और शक्कर मुझे लग रहा कम है तो मैं डाल दूँ, क्योंकि पिछले बार की गुजिया में थोड़ा सा मीठा कम था, और मैं कम ही बनाती हूँ क्योंकि इनके पापा नहीं खाते हैं, उनको थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा मीठा और आलू ये सब नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपनी तैयारी अभी मतलब कर लूँगी, और अब मुखारी भी हम लोग क्या 11 बजे 12 बजे करना पड़ता है, राम दतून होती है एक, और किसी के दतून भी करते हैं मतलब बुखारी करते हैं, और फिर उसके बाद खीरा खा के हम लोग अपना व्रत रखते हैं शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं बेल रही हूँ और मेरे बच्चे आ रहे हैं, और ये देखिए खेल सूझ रहा है, और ये जो मैंने लिया था फ्रेंड्स से कुछ काम नहीं आ रहा है, तो इसको अब हम लोग लौटा देंगे, और मतलब गुजिया बनती है और जो रोटी बनाने का पीछे तरफ था वो नहीं बनता। और फ्रेंड्स मैंने अपने ये जेठानी के संजना को बुलाया है, क्योंकि जल्दी जल्दी बेल देंगी, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने की, क्योंकि खाना भी बनाना है, तो इसीलिए मैं मतलब उनको अपना काम सौंप के आ गई हूँ। और मैं यहाँ देखी फ्रेंड्स आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना लूँगी, और फ्रेंड्स कहीं कहीं ना मैं तो नहीं जानती पर चलता है कि कहीं ये करेला और चावल खाते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ तरफ, क्योंकि एक दो जन हैं तो वो बताते हैं कि खाते हैं हम लोग क्या करेला और चावल, तो इसलिए उतना मैं नहीं जानती। मैं यहाँ आलू बड़ी बना लूँगी और चावल, क्योंकि चावल तो बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, चावल बिना हम मेरा मतलब वही नहीं होता है, खाना ही नहीं पूरा होता है। तो ये देखिए मैंने रसे वाली सब्ज़ी बनाई है, चावल बनाया है, तो और ये मेरी गुजिया पूरी निकल आई है फ्रेंड्स देखिए, और मैं ये बहुत बड़ी टेंशन से मैं चिंता मुक्त हो गई हूँ। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिए, और मैं फिर मिलूँगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।